वेलकम मेडिकोज, वेलकम टू योर ओन चैनल मेडिको स्वामी। आज हम लेकर के आए हैं सर्जरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन BHMS थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए। बट अभी भी हमें बहुत सारे बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जिसका हमें बहुत बुरा लगता है। हम याद करके इतनी मेहनत करके क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं, बट आपको एक सब्सक्राइब बटन दबाने में कंजूसी आ रही है, इसका मुझे बहुत बुरा लगता है। बट फिर भी हम आपका भला कर रहे हैं, तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। सो जनरल के बाद हम आते हैं सिस्टमिक सर्जरी पे, तो उसके क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं इसी वीडियो में। पहले मैं आपको सारे चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस बता दूंगा, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन 2 नंबर 5 नंबर और 10 नंबर के इम्पोर्टेंट बताऊंगा, जिनको आपको शॉर्टली करना है। बट आपको ये सारे क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता। जैसे कि चैप्टर 23 से आता है इप्यूलिस और फिर ओडोनटम्स, 2 मार्क्स में ये पूछे जाते हैं। कई बार 10 नंबर में से भी माउथ में से एकाधिक क्वेश्चन आ जाता है ना। फिर उसके बाद चैप्टर 24 में से स्टेमेटाइटिस है ना, रेन्यूला, ल्यूकोप्लेकिया है ना, और कैंसर ऑफ टंग। उसके बाद 25 चैप्टर को आपको रीड करना है। 26 में आता है एक्यूट सुपरेटिव पेरोटाइटिस, कार्सिनोमा ऑफ पेरोटिड ग्लैंड एंड पेरोटिड फिस्टुला। इसमें कुछ नहीं करना है, सुपरेटिड है मतलब सुपरेशन हो रहा है, पस फॉर्मेशन हो रहा है पेरोटिड ग्लैंड में है ना। उसके बाद कार्सिनोमा, जैसे आपको पहले बताया कार्सिनोमा लिखना कैसे है, पहले अगर आपने सर्जरी के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले जाके सारे सर्जरी के वीडियो चेक इट आउट कीजिए। फिर उसके बाद पेरोटिड फिस्टुला, तो पहले जैसा फिस्टुला होता है उसमें पेरोटिड ग्लैंड को डाल दो उसके डेफिनेशन में, तो हो जाएगा पेरोटिड फिस्टुला। ठीक है, तो ये 26 चैप्टर के क्वेश्चन है। फिर हम आते हैं 27 में आता है ब्रैकियल सिस्ट है ना, फिर थायरोग्लोसल सिस्ट और थायरोग्लोसल फिस्टुला। फिर वही की वही बात है, सिस्ट है उसको आज जहां पर है वो अगर जगह होगी वो लिखना है, और पूरा मतलब अकॉर्डिंग टू ऑर्गन अगर आपने सिम्टम डाल दिया तो कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं चैप्टर 28 में गॉइटर, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आया है कुशिंग सिंड्रोम, फिर उसके बाद है फाइब्रोएडिनोमा, जो कि देख लीजिए डबल स्टार है, आता ही आता है। फिर एक है कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, चैप्टर 31 आप छोड़ सकते हैं। फिर आता है चैप्टर 32 जो कि लंग्स रिलेटेड है, जिसमें मेन क्वेश्चंस वही सेकंड ईयर में जो थे, प्लूरल इफ्यूजन, एम्फाइसीमा, ब्रोंकेक्टेसिस, लंग एब्सेस है ना। फिर इसके बाद आया 33 हार्ट का, उसमें कार्डियक अरेस्ट करना है आपको सेकंड ईयर की बुक में से। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 34 में से रिफ्लक्स, इसोफेजाइटिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हायटस हर्निया और एक्लेशिया ऑफ इसोफेगस, इनकी डेफिनेशन ने आ गई। और आपने सिम्टोमेटिक अगर सिम्टम्स लिखे हैं, सिम्टोमेटिक नहीं मतलब ऑर्गन रिलेटेड सिम्टम लिखे हैं, तो आपको कोई फील नहीं करेगा। फिर प्लम्बल विंसन सिंड्रोम, कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस एंड कॉजेस ऑफ डिस्फेजिया, ये सारे आपको प्रिपेयर करना है। उसका आया चैप्टर 35, इसमें है डिफरेंस बिटवीन गैस्ट्रिक एंड ड्यूओडेनल अल्सर, जो कि कई बार 10 नंबर में या 5 नंबर में आ ही जाता है और पर्टिकुलर भी आ सकता है। मैंने अगर कहा है डिफरेंस तो आपको दोनों प्रिपेयर करना है, ताकि अगर कोई सिंगल साइड आए तो आप एक ही में पॉइंट डाल डाल कर लिख सके। उसके बाद 36 में आता है अमीबिक एब्सिस, हाइड्रेटेड सिस्ट और पोर्टल वेन हाइपरटेंशन। ठीक है, 39 चैप्टर पे हम आएंगे तो आएगा गॉल स्टोन, मतलब वही कोलीलिथियासिस, कोलीसिस्टाइटिस है ना, और कोलिडोकोलीलिथियासिस। फिर उसके बाद 38 में से 5 नंबर में कई बार पूछते हैं कॉजेशन ऑफ स्प्लेनोमेगली, चैप्टर 39 में से पेनकाटाइटिस, चैप्टर 40 में से आएगा अल्सरेटिव टीबी, क्रॉन्स डिसीज अगर नहीं समझ में आया है तो GI ट्रैक के इन्फ्लामेशन को हम कहते हैं क्रॉन्स डिसीज। ठीक है, फिर है ब्लाइंड लूप सिंड्रोम, इसको आप पढ़ सकते हैं बुक में, 962 पेज नंबर पे। फिर एक्यूट इंटू ससेप्शन, इसको मैं आपको समझा देता हूं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, जैसे कि अगर आपने एक रबड़ का पाइप लिया और उस पाइप को उसी के अंदर से निकाल दिया, मतलब अंदर धस गया कोई पाइप, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ गया अगर हम बोलेंगे, तो होता है इंटू ससेप्शन। फिर आया प्रूराइटिस, ठीक है, पेरिटोनाइटिस, ठीक है, मैंने प्रोराइटिस बोल दिया सॉरी उसके लिए। चैप्टर 43 में है अपेंडिसाइटिस, फिर 44 में है अल्सरेटिव कोलाइटिस,
देखिए 45 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक या दो क्वेश्चन वो फेंकता ही फेंकता है, जैसे कि फिस्टुला इन एनो, पाइल्स, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम, है ना, फिर फिशर इन 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 एनो, फिर अप्रोसाइटिस, प्रोस्टेट। 46 में से आया ओम्फेलाइटिस, जिसको आपको डेफिनेशन याद करनी है कि इन्फ्लामेशन ऑफ अम्बेलिकस। फिर हर्निया, हर्निया के टाइप सारे कर लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद किडनी में से आया पॉलिसिस्टिक किडनी, हाइड्रोनेफ्रोसिस, रीनल कैल्कुलाई, सिस्टाइटिस। इन सिस्टाइटिस हमेशा याद रखना है, इसमें कोई सिस्ट नहीं है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लैडर को कहते हैं सिस्टाइटिस। हेमेच्यूरिया में ब्लीडिंग होती है, ब्लड ब्लीडिंग नहीं, यूरिनेशन में ब्लड आता है। फिर है ना एन यूरिया, फिर रिटेंशन ऑफ यूरिन, बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लीसिया। इस पे अगर आप कहेंगे तो आपको कल वीडियो मिल सकता है, अगर आपने डिमांड करी तो। और उसके बाद है प्रोस्टाइटिस। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये आपको प्रिपेयर करने हैं। 51 में से करना है अनडिसेंडेड टेस्टिस 2 मार्क्स में, एक्टोपिक टेस्टिस, वेरिकोज वेन, स्पर्मेटोसिल और फिर हाइड्रोसिल। स्पर्मेटोसिल में क्या होता है, जो वेन्स है स्क्रोटम की, उसमें एवेरिकोसिटी आ जाती है। हाइड्रोसिल में उनमें फ्लूड का एक्यूमुलेशन हो जाता है टेस्टिकल्स में, है ना। फिर उसके बाद 52 आया हाइपोस्पैडियसिस, फिर इपिस्पैडियसिस, एप्टोपिक वेसाइकल, फिर बलेनो पोस्टाइटिस, फिमोसिस और पैराफिमोसिस। ये बस इतने क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले कहा था कि पहले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर मैं आपको 10 नंबर, 5 नंबर और 2 नंबर के कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे कि 10 नंबर के आपके स्क्रीन पर है, हाइटस हर्निया, डिफरेंशिएट पेप्टिक अल्सर, गेस्ट्रिक अल्सर, एंड्यूडिनल अल्सर, फिस्टुला इन एनो, इंग्वाइनल हर्निया, कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस, है ना, हेमोरॉइड, कोलिलिथियासिस, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया, है नहीं, पेरिटोनाइटिस और प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम। ये 10 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी मैंने जो बताया वो सारे भी करने हैं, बट इन पे थोड़ा ध्यान देना, इनमें जाने के चांसेस बढ़ते हैं। इधर आप 5 नंबर में आएंगे तो आ गया है फाइब्रो एडिनोमा, पैटर्न डक्टेड डक्टस आर्टेरियोसिस, हाइडेटेड सिस्ट, प्रोस्टाइटिस, कॉजेशन ऑफ स्प्लिनोमेगाली, हाइड्रोनेफ्रोसिस, अल्सरेटिव टीबी, रिनल स्टोन, अल्सरेटिव कोलाइटिस, है ना, फिर कैंसर ऑफ ब्लैडर और स्पर्मेटोसिल। फिर उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चन में है एंजाइना, रिफ्लक्स, इसोफेजाइटिस, सिस्टाइटिस, हेमेच्यूरिया, मिडगर्ड वॉल्यूलस, अनडिसेंडेड टेस्टिस, प्लूरल एफ्यूजन, है ना, प्लूरल एफ्यूजन, फिर है रिटेंशन ऑफ यूरिन, पल्मर विंसन सिंड्रोम, एन यूरिया, वेरिकोसील, हाइपोस्पेडियसिस, हाइड्रोसिल, एक्टोपिक टेस्टिस और गायनेकोमेस्टिया, फिमोसिस और पैराफिमोसिस। देखिए इतने क्वेश्चंस आप कर लीजिए, आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा। बट इन सबको करने के साथ साथ आपको एक और काम करना है, रेड बटन को दबा के हमें सब्सक्राइब करना है। अभी भी कई सारे व्यूवर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है, हम इतना मटेरियल ला रहे हैं, इतनी आपकी हेल्प करें यार, आप एक सब्सक्राइब तो दे ही सकते हो। अगर मैं कोई खा खा खिखी के वीडियो अगर हम बनाते हैं तो आप अभी हमको शायद 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर पर पहुंच जाते। तो एक एजुकेशनल चैनल को भी सब्सक्राइब मिलना चाहिए, और मुझे विश्वास है आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और 4th ईयर के लिए भी हमारे मटेरियल को देखते रहेंगे जब आपकी एग्जाम्स हो जाएगी। सो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।